सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपको रीठा के प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो रीठा बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, लेकिन उसमें सैपोनिन होने के वजह से उसे खास करके झाग वाले प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। तो इसे इंडियन सोप बेरीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको चार चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। उसमें सबसे पहले तो है फ्लोर क्लीनिंग मॉप वॉश, देन हैंड वॉश, डिश वॉश एंड शैम्पू। ये चार चीजों के लिए हमें एक कॉमन चीज लगने वाली है, जिसे हम कहते हैं रीठा वाटर। रीठा वाटर ये रीठा का पानी है, जिसके लिए हमने ये 50 अलग अलग रीठा जो है वो कलेक्ट किए है, और इस 50 रीठा को हम 2 लीटर पानी में डालने वाले हैं। इस 2 लीटर पानी को हमें इतना उबालना है ताकि ये जो 2 लीटर पानी है इसका 1 लीटर पानी बन जाए। तो हम ये जो रीठा है, ये रीठा हम इसमें डालेंगे। रीठा वाटर उबल के हो गए है। अब आप इसमें झाग देख सकते हैं। इसे अब हमें ठंडा करना है, और ठंडा होने के बाद इसमें से इसे सीड्स को अलग करना है। सभी सीड निकालने के बाद इसे हमें ऐसा स्क्वीज करके, अच्छे से स्क्वीज करके इसमें से जितना हो सके झाग निकाल लेना है। और ये अभी ऐसा दिखने लगा है। अभी इसे हम छान लेते हैं। अभी ये अपना रीठा वाटर बनके रेडी हो गया है। इसे हमें अलग अलग ऊपर अलग अलग चीजों में यूज करना है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड, जिसके लिए हम यूज करेंगे ये रीठा वाटर। 2 कप रीठा वाटर हमें लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप विनेगर। विनेगर एक एंटीमाइक्रोबियल है, और इससे इंसेक्ट्स भी दूर रहते हैं। 1 कप विनेगर। विनेगर से जो फर्श पे लगा हुआ दाग होते हैं, वो दाग भी निकल जाते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हिमालयन सॉल्ट, जिसे हम सेंधा नमक के नाम से भी पहचानते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक हमने इसमें ऐड किया। अब हम इसमें ऐड करेंगे टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है, जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज की होती है। इसे हमें ऐड करना है नियर अबाउट 1 ml। तो ये बराबर 1 ढक्कन भी हो सकता है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेवेंडर ऑयल, जो कि अरोमा के लिए, या हम खुशबू बोलेंगे, खुशबू के लिए भी यूज कर सकते। तो इसमें हम ये जो लेवेंडर ऑयल है ये यूज करेंगे 1 ढक्कन। हम मिक्स कर लेते हैं और अपना फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड रेडी है। हिमालयन सॉल्ट, जो कि सेंधा नमक हमने ऐड किया था, वो अब अच्छे से मिक्स हो गया है। बस इसे अब हमें स्टोर करके रखना है। अब हम बनाने जा रहे हैं डिश वॉश। इसके लिए हमें लेना है 1 कप रीठा वाटर,
और इसमें अब हम ऐड करेंगे 100 ml ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो बॉडी का मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए काम में आता है, तो इसलिए हम 100 ml ग्लिसरीन इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच जंतम गम डालेंगे। जंतम गम एक बैक्टीरियल प्रोडक्ट है जिसका यूज थिकनिंग के लिए होता है, तो एक छोटा चम्मच काफी है। अगर आप चाहते हैं ज्यादा थिकर होना चाहिए आपका लिक्विड सोप तो आप इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमें ऐड करना है टी ट्री ऑयल, सिर्फ एक ड्रॉप काफी है तो हमें इसमें ऐड करेंगे एक ड्रॉप टी ट्री ऑयल। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पेपरमिंट। पेपरमिंट के अलावा आप और कोई एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप लेमन एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, तो इसे भी एक ड्रॉप मैंने ऐड कर दिया। अब इसे हमें मिक्स करना है। आप कोई भी ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर, मिक्सर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ताकि ये जो जंतर गम हमने इसमें डाला है ये जंतर गम अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी ये हमारा डिश वॉश रेडी है, इसे स्टोर करके रख देते हैं। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं हैंड वॉश, जिसके लिए बेस तो हम सेम ही लेंगे जो कि है रीठा वाटर। एक कप रीठा वाटर, इसमें हमें ऐड करना है ग्लिसरीन 100 ml। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल, 10 ml गुलाब जल इसमें काफी है, जो कि अच्छा फ्रेग्रेंस भी अपने हैंड वॉश को देगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टी ट्री ऑयल, सिर्फ एक ड्रॉप, एक या दो ड्रॉप हमें इसमें ऐड करना है। और इसमें हम ऐड करेंगे जंतम गम आधा चम्मच। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हैंड वॉश रेडी है और इसे हम स्टोर करके रखते और इसे यूज कर सकते हैं। रीठा शैम्पू को और बेहतर बनाने के लिए हम इसमें चार चीजें और ऐड करेंगे, जिसमें तो पहली चीज है आंवला पाउडर, दूसरा है शिकेकई पाउडर, तीसरा है संतरे का छिलके का पाउडर और चौथा है नागरमोथा पाउडर। इससे जो हम लवेंडर ऑयल यूज करने वाले थे वह लवेंडर ऑयल यूज करने का काम नहीं पड़ेगा और नेचुरल अरोमा शिकेकई शैम्पू को या हमारे हर्बल शैम्पू को आ जाएगा। तो इसके लिए हम ये जो मिक्सचर है चारों का, ये 2 चम्मच हम 1 लीटर पानी में ऐड करेंगे और इस 1 लीटर पानी को उबालेंगे ताकि ये 1 लीटर पानी का 0.5 लीटर पानी बन जाए। इसी पानी को हमें यूज करना है। ये शिकेकई का पानी अब अच्छे से उबल गया है, इसमें अच्छे से खुशबू आने लगी है। अब इसे हम ठंडा होने के बाद छान लेंगे। अब हम बनाने वाले हैं हमारा लास्ट प्रोडक्ट जो है शैम्पू। शैम्पू में हमने पहले से ही उबाला हुआ शिकेकई का वाटर था वो यूज करना है और ये रीठा वाटर यूज करना है, तो इसके लिए हम लेंगे 1 कप रीठा वाटर।
और लगभग उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा भी हम यूज कर सकते शीके कई कलर। और इसमें हमें ऐड करना है टी ट्री ऑयल जो कि जर्म से फाइट करने के लिए काम में आता है। तो इसे बस एक बूंद ही हमें यूज़ करना है। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। बस हमारा शैम्पू रेडी। अब ये शैम्पू भी यूज़ करने के लिए रेडी है। इसे भी हम स्टोर करके रख देंगे। अभी ये सारे रीठा के प्रोडक्ट रेडी है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह नेचुरल बने हुए हैं। आपको मेरी ये रीठा के प्रोडक्ट्स बनाने की रेसिपी कैसे लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।